टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत का अब तक का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है और अपने दमदार प्रदर्शन के कारण ही उसने लगभग सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह बना ली है। इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती है। अफगानिस्तान से हारने के बाद कंगारू जैसे घायल शेर की तरह हो चुका है, ऐसे में वह और भी खतरनाक तरीके से मैदान में उतर सकती है। खबर है कि वो टीम इंडिया को मटिया मेट करने के इरादे से अपने एक स्पिनर को बैठाकर मिचेल स्टार्क को मौका देने वाली है। स्टार्क ने अफगानिस्तान के खिलाफ पिछला मैच नहीं खेला था, लेकिन इस मैच में वो खेलेंगे क्योंकि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की बाएं हाथ की तेज गेंदबाज बड़ी कमजोरी है। बता दें कि अगर मिचेल स्टार्क खेलते हैं तो यह मैच ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में जा सकती है, ऐसे में भारत टीम की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का ये मैच काफी रोचक होने जा रहा है। हालांकि भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करेगी यह काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि ओपनिंग में रोहित शर्मा बाएं हाथ के ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को कैसा खेलते हैं। गौरतलब है कि इस बार रोहित शर्मा का प्रदर्शन बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के खिलाफ प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। साल 2024 में रोहित अब तक 9 बार टी20 क्रिकेट में बाएं हाथ में गेंदबाजों के खिलाफ आउट हो चुके हैं। इसमें से 3 बार तो वो सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान ही बाएं हाथ के बल्लेबाजों का शिकार बने हैं, जबकि करियर की शुरुआत से साल 2016 तक रोहित 16 बार बाएं हाथ के गेंदबाजों पर टी20 क्रिकेट में आउट हुए हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यह मैच किसके हिस्से में आएगी।